हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की बास्केट बनाएंगे। इस बास्केट को बनाने के लिए मैंने दो सीढ़ियाँ ली हैं और जिस कलर की उनसे आप बनाना चाहें मैंने ये शेड ढूंढ ली है। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस बास्केट के अंदर मैंने ऊपर की तरफ ये फ्लावर लगाया है, सेंटर में भी एक छोटा फ्लावर लगाया है और सेंटर में और ऊपर एक एक सीढ़ी लगाई। इस तरह हम इस टोकरी को बनाते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीढ़ी लेते हैं, जिस कलर से हमें बकेट बनानी है उस कलर की ऊन लेते हैं। सबसे पहले ऊन में हम नोट डाल लेते हैं। नोट डालने के बाद ऊन को सीढ़ी के पीछे लेते हैं, ऊन को आगे निकाल के बीच वाले छेद में से क्रोशिया हुक में इस तरह डाल लेते हैं। डालने के बाद हम इसे दो का एक कर देते हैं। इस तरह हमारे दो का एक हो गया। फिर हम एक चैन बनाते हैं, फिर ऊन को वापस से बीच वाले छेद में से निकालते हैं, क्रोशिया हुक में डालते हैं और दो का एक करते हैं। फिर एक चैन बनाते हैं, फिर बीच में से ऊन को निकालते हैं, क्रोशिया हुक में से डाल के दो का एक करते हैं और एक चैन बना लेते हैं। इस तरह हम इसमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने वर्क के एंड में आ गए। यहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी पूरी सीढ़ी पे हमारे हो जाता है। अब हम सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी बनाना है और ये जो हमने एक चैन बनाई थी उसमें भी बनाना है। दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो ये लूप बनता है इसके अंदर भी बनाना है और जो सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर भी बनाना है। फिर इस लूप में बनाना है। फिर सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं। इस तरह अब इस रो को भी एक एक बना के इस रो को भी पूरा कर लेते हैं। हमने सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में आ गए, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। लास्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बना के इसे हम पहली वाली चैन से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। वापस से हम तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह हम सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट वाले चैन में आ गए। यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसे यहाँ पे चैन से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है इसको क्रोशिया को पीछे इस तरह लेके इसे वापस से हम एक स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जुड़ने के बाद हम इसमें अब तीन चैन बनाएंगे। ये हमारा पीछे से बनाया है, अगला वाला डबल क्रोशिया हम आगे से बनाएंगे। फिर हम पीछे वाले को अगले को पीछे वाले पीछे की तरफ से बनाते हैं। इससे अगले वाले को आगे की तरफ से बनाते हैं। चैन में से ना बना के
डबल क्रोशे के ऊपर से और नीचे से बनाना है। ये हमने ऊपर से बनाया तब इसको हम पीछे की तरफ से बनाते हैं। इस तरह हम इस रो को भी पूरा कर देते हैं। हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। इसके लास्ट में आगे ये हमने लास्ट वाला पीछे से बनाया है, इस वाले को हम आगे से बनाए। और जो हमने तीन चैन बनाई थी उसके ऊपर वाली चैन में हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब वापस से हम इसे पीछे ले जाएंगे और इसे पीछे से ले जाते हुए इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं और पीछे हम तीन चैन बना लेते हैं। इस तरह जो हमने पीछे लिया था इसमें इसको इस तरह पीछे क्रोशिया को ले जाते हैं, ऊन को इधर लेते हैं और इसे इसमें से निकालते हैं। इस तरह से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हम इसमें अब तीन चैन बना लेंगे, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद ये पहला वाला हमने पीछे से बनाया, अब आगे वाला हम आगे से बनाएंगे। फिर हम पीछे से बनाएंगे। फिर आगे से बनाएंगे। हम इसमें ये रो बन जाती है आगे से और पीछे से बनाने से। तो आगे वाले को आगे से बनाना है, पीछे वाले को पीछे से बनाना। इस तरह इसमें हम अब ये सभी रो पूरी कर लेते हैं। इस तरह इसमें हमने सभी रो कंप्लीट कर ली। इसमें मैंने 11 रो बनाई। इसे अगर आपको लंबाई ज़्यादा करनी हो तो इसमें रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं, कम करनी होती है हम रो इसमें 11 से कम बना सकते हैं। इसके लास्ट में आ गई मैं, इसे लास्ट में आगे से बनाते हैं। लास्ट को इसको स्लिप पे चैन से यहाँ जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ये बकेट कंप्लीट हो जाती है। इसे सपोर्ट देने के लिए इस तरह की रिंग का यूज़ करते हैं। इस रिंग को हम ऊपर की तरफ सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रिंग को अटैच करेंगे। पहली चैन में मैंने इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, साथ में इस रिंग को भी लेते हैं। अगली चैन में लेते हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर उसे अगली चैन में लेते हैं, इस तरह हम सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से रिंग को पूरी में अटैच कर लेते हैं। इस तरह हमने पूरी रिंग इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ लिए। यहाँ पे मैंने इसे स्लिप चैन से जोड़ के उनको कट कर दिया। इस तरह हमारी ये टोकरी के नीचे का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। ऊपर के हिस्से में जैसे टोकरी के हिस्से में हमने सीढ़ी में जिस तरह बनाया था चारों तरफ ये बना के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई थी, वैसे ही मैंने इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना ली है। अब सेकेंड रो भी हमें सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेकेंड रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें सभी चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इसमें तीसरा हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम थर्ड रो में आ गए। यहाँ पे मैंने स्लिप चैन से जोड़ दिया। शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं, इसी चैन में एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। उसके बाद हम अगली चैन में एक सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हम आगे दूसरी में भी एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, तीन चार चार चैन में डबल क्रोशिया बना के पांचवी चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाते हैं एक चैन में।
फिर वापस से हम चार चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और पांचवी चैन में हम पांचवी चैन में एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार चैन में एक 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 डबल क्रोशिया और पांचवी चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिए। इस वाली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और जो दो डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर हम चार चैन बनाएंगे। चार चैन बनाने के बाद इसी वाली चैन में हम एक इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम वापस से दो डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसमें दो चैन छोड़ देंगे, तीन चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चैन छोड़ के चौथी चैन के अंदर हम वापस एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए इसमें दो बार बट लेते हैं, फिर तीन चार चैन बनाएंगे, इसी वाली क्रोशिया में इस तरह से स्लिप चैन से बंद कर देते हैं, फिर दो डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बस तीन चैन छोड़ देंगे हम और चौथी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह इस रो को भी हम पूरा कर लेते हैं। सब हमने कवर को पूरा कर लिया। पूरा होने के बाद कुछ हमारा इस तरह से बन जाता है। ये हमारे नीचे की टोकरी बन गई, ये इसके ऊपर का कवर बन गया। इस तरह हमारे ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती। अब हम इसमें इस तरह का फ्लावर तो यहाँ सेंटर में लगाएंगे और ऊपर वाले कवर के ऊपर हम इस तरह का ये बड़ा फ्लावर लगाएंगे। इन्हें हम वुड ग्लू की हेल्प से अटैच कर देते हैं। अब वुड ग्लू की मदद से हम इसे सेंटर में चिपका देते हैं। इस तरह हमारे दोनों फ्लावर चिपक जाते हैं। अब हमारी ये बास्केट पूरी हो जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।